कैसे हैं आप लोग, मुझे पता सब ठीक होंगे। और पिछले व्लॉग में मैंने उड़द गोश बना लिए थे, लेकिन अभी चावल बनाए थे। जहाँ से मैंने खत्म किया था व्लॉग वहीं से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि छोर जी इंतजार करना था, उनके साथ खाना खाना था। आज मैंने बस ये समझ लो बस एक ठान रखी थी उनके साथ ही खाना है, क्योंकि आज वो कह के गए थे आज मैं देर से आऊंगा। तो हम सब ने सोचा देर से आए क्या, कितनी देर से आए, आज उन लोग उनके साथ ही खाएंगे हम सब। तो हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, वो हम लोग सब साथ खाएंगे खाना। और बस दातन यही होता है, और ये मैंने इधर बना दी चावल, दातन यही होता है। लोग जहाँ से मैं ख़त्म करती हूँ ना उनकी मतलब थोड़ी देर बाद से मुझे स्टार्ट होता है मेरा ब्लॉग। और बस ब्लॉग बनाना वहाँ पे बहुत हार्ड वर्क है, कम है चावल ये है रेडी माशाल्लाह से। जीरा दिख रहा है, वाइट वाइट चावलों में जीरा दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है माशाल्लाह। वाह तमाच बने खिले खिले। और आज जो चावल बनाया है इसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं कनकी चावल, अच्छा होता है ये भी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलो बंदरी लेके चलते हैं कुकर। चावलों में अच्छे खूब दम लगे माशाल्लाह से। आज हमने ना सोच रखा था कि बस हम तुम्हारे साथ क्या कितनी देर से आओगे, इंतजार करा है हम लोगों ने तुम्हारा। चलो निकालो बाबा निकालो, देख लो खाना खाते टाइम कितनी शांति हो जाती है। सही से निकालो ना भर के। हाँ ये निकाला। जोर जी के साथ में आज सींग हो गया, लेकिन बताने वाला थी। अल्लाह बड़ी शिद्दत से निकाल रहा हूँ माने। क्या ढूंढ रहा उसके अंदर? बोटी है, बोटी वो पता, वो एक जोक था, वो कहता है वो बनाया पनीर खोया, तो वो कहता है खोया तो है नहीं, तो कह रहा जब तो पनीर खोया नाम रखा है इसके अंदर, कि इसके अंदर खोया है। बिस्मिल्लाह लाइबा, आ जाओ मिशेजादी। यहाँ पर खाना खा लिया है और अब मैं बनाऊंगी खाना खाने के बाद में चाय, क्योंकि खाना खाने के बाद में हम लोग पीते हैं जरूर चाय। एक दो, और सच में उड़द गोश और जीरे के चावल वाकई सुभान अल्लाह हो रहे थे, बहुत ही टेस्टी हो रहे थे, बहुत ही मज़ेदार हो रहे थे। वाकई हम लोगों ने खूब शौक से खाए माशाल्लाह, और भूख भी लग रही थी हम लोगों को क्योंकि शोर का इंतज़ार कर रहे थे, और वो तो वाकई जितने टाइम में देर से आते थे ना और उससे भी ज़्यादा देर से आए, पूरा तपा के जब आए। और ये मैं डाल दूँगी दूध साथ साथ में, और आज दूध उबाला नहीं था मैंने, अब जो आएगा दूध शाम को तो वो मैं उबाल लूँगी। ये उड़द गोश्त में मैंने डाले थे ना काट के, आज सोच रही हूँ अदरक का टुकड़ा डाल दूँ चाय में, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है अदरक और दिमाग को तेज़ करती है अदरक, और दिमाग को तेज़ नहीं करती, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें अदरक में, तो बहुत ही हेल्दी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और खाना खाने से फारिग हो चुके हैं, काफ़ी देर हो गई खाना खाए हुए भी, अब मैंने सोचा थोड़ी देर ये रूम की सफाई लगती हूँ, क्योंकि मैंने धोए थे कपड़े, लगाई थी मशीन, कपड़े सूख गए, लाइबा से मंगा ली ग्रिल पे से मैंने, लाइबा बहुत काम करती है हमारी माशाल्लाह से। और अब बस ये कपड़े मुझे सेफ अलमारी में लगाने हैं, और बस सच बताऊँ बस अब फिर माशाल्लाह खाने का टाइम हो गया, क्योंकि ये कोई पूरा एकदम नहीं दिखाती हूँ, ये होता है माशाल्लाह खाने का टाइम हो जाता है। तो आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी लाइबा के लिए, लाइबा बहुत दिन से कह रही थी कुछ स्पेशल बनाओ मम्मा स्पेशल बनाओ, तो लाइबा के लिए बनाऊंगी मैं स्पेशल, लेकिन उससे पहले मुझे इस रूम को पूरा क्लीन करना है। और ये सेफ अलमारी पूरी बाहर सारी निकाल रखे थे कपड़े वपड़े मैंने, लेकिन आधे हो गए पर थोड़े से रह गए, उसके बाद में पूरा क्लीन हो जाएगा, लेकिन इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे, देखते कितना टाइम लगता है। ये भागी
और पूरा रूम कलिया के लिए दुपट्टा पड़ा हुआ है और पूरा रूम करने में कम करीब करीब एक डेढ़ घंटा लगाओ। पूरी सेफ अलमारी में कपड़े जमा है और सच बताओ कभी ये वाला दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ मैं, कभी ये वाला ओढ़ लेती हूँ, गर्मी लगती है कभी मैं ये वाला ओढ़ लेती हूँ कभी ये वाला ओढ़ लेती हूँ। और अब चलेंगे कहाँ पर चलेंगे, आज बनाने जाएंगे चिकन रोल, कल बना दूंगी, आज छोड़ मैं थक गई आज चार तो पापा ही बोल के गए, चार में कम चलो तो चलते हैं चिकन रोल बनाने के लिए चलो। और एक तो ये बच्चों के बैग रखने की बड़ी परेशानी होती है, बैग कभी इधर इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर इधर, रूम की कर दूंगी लाइट बंद और अभी तक आ जाऊंगी। और यहाँ पर बस संडे स्पेशल बनाऊंगी क्योंकि आज संडे भी है, बच्चे संडे में जरूरी सोचते हैं कि अच्छे ही खाए हम और माशाल्लाह अच्छे ही खा रहे हैं, जो बात है माशाल्लाह जो कह देते हैं पापा से वही लाते हैं पापा भी, और मम्मी को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं, मम्मी तो पहले से पहले ही बना के रखती हैं। और सबसे पहले मैंने ले लिया फ्री पान और मैंने लिया ये आधा किलो चिकन, और ये ले लिया मैंने फ्री पान और इसके अंदर मैं डाल दूँ चिकन, और चिकन को इसको गलाना है। वैसे अगर आप चाहें तो बगैर हड्डी वाला भी ला सकते हैं, दे देते हैं, और ये मैं थोड़ा डालूँगी पानी और इसमें चिकन में मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक और इसे ढक दूंगी प्लेट को, इसे गलाना है हमें। और ये मैदा है, मैदा लिया है मैंने आधा किलो और इसे छान लूंगी, मैदे को छानना बहुत ही ज़रूरी होता है, देखो कितनी ये गुठली सी आ गई और ये एक्स्ट्रा वो भी जो होते हैं बरसातों में हो जाती हैं आटे वाली, तो वो भी ख़त्म हो जाती हैं। और ये आटा मैंने छान लिया, आटा नहीं मैदा सॉरी, और ये मैं निकाल लूँगी थोड़ा सा इसमें खुश्की ताकि पेड़े बनाने में काम में आए। और ये अंदर में डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल, ये इसके अंदर मैंने लेने डाला थोड़ा सा ऑयल, और फिर इसके बाद मैं डालूंगी नमक, इसके अंदर मैं डालूंगी एक अंडा पूरा ताकि जो मैं इसके रोल के जो पराठे बनाऊँ वो सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची बने। इसके अंदर मैं डालूंगी एक चम्मच चीनी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है जो पराठों का आएगा, बहुत ही एकदम गोल्डन और बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा दूध ठंडा, अभी मैंने आटा रख दी साइड में, इतने में ये दो आलू काट लूंगी क्योंकि अभी इसमें और मुक्के लगाऊंगी क्योंकि मैदा है, मैदा थोड़ी मेहनत लेता है भूनने में। और ये आलू इसे फ्राई करूंगी और रोल के अंदर भरूंगी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं वाकई, बहुत ही टेस्टी, और बच्चों के तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और हमारे पड़ोस में भी लग रही है ज़्यादा ज़्यादा सीटियाँ। ये आड़े काटूंगी आलू, आलू वैसे इसके लिए थोड़ा लंबा होना चाहिए, तो लंबे आलू बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन लंबा है नहीं तो कोई बात नहीं, इससे गुजारा कर लूंगी। तो ये वाला भी काटूंगी आलू, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना वाकई। अब मैं आपको क्या दिखाऊं, इतनी अच्छी रेसिपी बना के दिखा रही हूँ, अपना पसीना क्या दिखाऊं मैं, इस टाइम बहुत ही मैं बस तर बतर हो रही हूँ। और ये आलू कर ली कट,
और ये काटूंगी मैं खीरा भी काट लूंगी और ये देसी खीरा है। और ये खीरे को मैंने धो लिया अच्छे से और इसको पतला पतला काट लूंगी। थोड़ा सा खा भी लूंगी खीरा और हाथ धोने के बाद में एक बार और इसको चिकना करूंगी आटे को। और इसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा ऑयल, ये आटा और ज्यादा चिकना हो जाएगा। ये देख निकाल लूंगी, इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखूंगी क्योंकि आटा ना थोड़ा सही गूंदा है लेकिन गर्मी हो रही है तो आटा थोड़ा वैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और ये एक प्याज काट लूंगी लच्छे वाली गोल गोल, प्याज के बगैर तो मजा नहीं आता। और ये प्याज को धो लिया मैंने और जिस ट्रे में मैंने खीरा काट रखा था इसमें ही है ये प्याज। और ये ले ली मैंने प्लेट, प्लेट के अंदर डालूंगी आलू जो मैंने कट कर लिए थे अच्छे से। अब इसके अंदर फाइनली क्या करना है, थोड़ा सा डालूंगी इसके अंदर अरारोट, थोड़ा सा ही डालना, ज्यादा नहीं डालना, ऐसा हो कि बस कोटिंग हल्की हल्की सी वो हो जाए। अब इसको करने के बाद में इसको ऐसे इससे आलू जो फ्राई करूँगी है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कुरकुरे भी बनेंगे और तेल भी कम लगेगा इसमें। और इधर बच्चे बाहर आके देख रहे हैं कि मैं क्या बना रही हूँ। और ये चिकन हो गया, इसमें थोड़ा सा पानी रह गया, इसे मैं निकाल लूंगी और इसे अब अलग कर लूंगी चिकन को। ये फ्राई पैन में मैंने कर दिया ऑयल, इसको ये इतने गर्म होएगा, इतने आलू मैंने रेडी कर लिए हैं। और इसे चिकन को क्या करना है, चिकन के ऐसे रेशे बनाने हैं मुझे ऐसे पतले पतले। और बस इत्तेफाक से मेरे पास एक ही कांटा है वरना दो कांटे से बहुत ही अच्छे बनते हैं ये। ऑयल हो गया गरम खूब अच्छे से और ये इसमें फ्राई कर लूंगी। अब मैं जितना बच्चों को मना कर रही हूँ बच्चे उतना कर रहा, ज्यादा कुछ नहीं कर रही, अंदर आके बैठ जाऊंगी मैं फिर। और से बिल्कुल गोल्डन फ्राई करने और इसी ऑयल में से क्या करना है, ये मैंने स्लाइस भी फ्राई करने हैं। और अभी ये जो चिकन है ये चिकन मैंने हाथ से करा है और ये देखें कितनी और बड़ी मेहनत लगी ये करने में मुझे, वो तो ये आधा किलो ही था चिकन। और फिर ये भी इसमें बनाऊंगी ऑयल में। और दूसरी बात ये, और अभी मैं रोल के लिए पराठे बनाऊंगी पतले पतले, तो वो भी मैं इसी ऑयल से ही बनाऊंगी। कोई भी चीज़ मैं वेस्ट नहीं करती, जितना भी होता है फ्राई व्राई का सब ऑयल यूज़ कर लेती हूँ मैं। और ये देखें माशाल्लाह से गोल्डन फ्राई हो गए हैं, इसे मैं निकाल लूँगी। और ये जो मैंने डाला था इसे क्या डाला था मैंने, अल्लाह अब मेरे जब याद आएगा जब बताऊंगी। अरारोट, अल्लाह इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में भूलो ही मैंने अरारोट डाला था। फाइनली बिस्मिल्लाह, ये ऑयल जो है ये मैं निकाल लूंगी अलग, क्योंकि चिकन जो मैं बनाऊंगी वो थोड़े से ऑयल में ही बन जाएगा क्योंकि उसमें हमें तरी नहीं लानी होती है, सिर्फ भुनना होता है। और ये इस ऑयल के बनेंगे पराठे। और ये मैंने प्याज डाल दी है
थोड़े से प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना, हल्का करना, ज़्यादा नहीं करना। और ये मैंने मंगाए पैकेट, एक है केचप का और एक है वेज मियोनीज। और ये लेकर आए हम्माद भाई, दिखा उधर, हाँ बस इसमें ही दिखा। और ये मैंने ले लिया एक चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको घुमाई कर दूंगी। और ये तो बस पीछे उड़ रही है सही वाली, मैं जा रही हूँ पीछे। और चंदर में ऐड कर दूंगी ये चिकन, चीटे आ गई मेरे लिए, गले तक में चीटे आई है, मुंह पर आई है चीटे। और इस मामले में मैंने डाल दिया जल्दबाजी में चिकन, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीटे उड़ रही थी मेरे। और इसके अंदर मैं डालूंगी नमक और थोड़ा सा, और इसके अंदर डालूंगी पानी वाला, जो ये चिकन का रह गया था ना, ये थोड़ा थोड़ा डाल डाल के इसकी करूँगी भुनाई। इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी, पिसी हुई मिर्च, ताकि रोल बनाओ चटपटे। और इसके अंदर मैं डालूंगी जीरा और काली मिर्च, ये मैंने पीस लिया था भून के, और ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसके अंदर मैं डालूंगी अब ये हरी मिर्च एक, और इसके अंदर पानी भी डालूंगी पूरा। बस इसे क्या करना है, चिकन को इसको खूब अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से भुनाई करनी है, ताकि चिकन में मसाले मिलके ज़बरदस्त वाला क्या करते हैं, बूम बूम। ये एक चीज़ और रह गई है, और ये है पीली मिर्चे, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है, ज़बरदस्त वाला टेस्ट होता है, और खाने में अच्छी लगती है। ये वाली मिर्ची ज़्यादातर उसमें गलती है, वो टिक्का होता है वाइट वाला टिक्का, उसमें गलती है। ये ले लिया मिक्सी का जार इतने, और ये मैंने डाल दिया हरा धनिया। इसके अंदर मैं डालूंगी हरी मिर्च, ये वाली चटनी दही वाली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा, सच बताऊँ, पसंद है कि मैं बता नहीं सक, ओह सॉरी, डंठल इसमें डाल दिया, देखो ये होता है गर्मी में। अंदर में डालूंगी नमक, उसके अंदर में डालूंगी दही, दही की तो बहुत ही ज़बरदस्त वाली चटनी लगती है मुझे। और उसके अंदर में डालूंगी भुना हुआ जीरा, बस। और देखते हैं चिकन तो हमारा पक गया होगा माशाल्लाह से, और खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। और उसके अंदर में डालूंगी थोड़ा सा केचप, बहुत ही बढ़िया केचप से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और थोड़ी सी डालूंगी ये मीनूस, ये तो खुल ही नहीं रहा भैया। थोड़ा सा डाला है मैंने दही, क्योंकि चिकन में तो बहुत अच्छा जाता है दही। और ये डालूंगी मीनूस, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे भी। और अभी तो भर भर के डालनी है। चलो ये रेडी, गैस कर दिया मैंने बंद, और ये बिल्कुल रेडी है। इस पे ढक्कन ही ढकूंगी, इसको ठंडा ही होने दूंगी, क्योंकि अब मैं बस पराठे बनाने जा रही हूँ, तो मैं कर लूँ चटनी। ये चटनी रेडी है, इसे मैं निकाल लूँगी कटोरी में। सबसे बढ़िया लगती है मुझे ये वाली चटनी और लहसुन की चटनी। अभी मैं बनाऊंगी पराठे, और पराठे बनाने के लिए एक टेक्निक करूंगी मैं। एक लिया है, एक चम्मच भर के मैंने लिया है, अब इधर दिखाओ। और इसके अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल, और इसका बनाना है पेस्ट खूब अच्छे से। और ये मैं भरूंगी पराठों के अंदर, इससे क्या होगा, बलदार बलदार रहेगा, ये नहीं कि चिपक जाएगा, बहुत बढ़िया पेस्ट। बिस्मिल्लाह। और ये मैदे का बनाऊंगी एक बड़ा सा पेड़ा। आप सोचेंगे इतने बड़ा पराठा बनाऊंगी, नहीं, अभी आप देखते जाइए मैं क्या करती हूँ। और एक और ये ले लूंगी, इसमें से मैंने लिए तीन,
और ये हल्के हल्के ये मैं कर लूँ। और ये ऐसे मैदा और ये ऑयल डालने से बहुत ही बढ़िया पराठे बनेंगे, खस्ता और बलदार। और इसको खूब ये ऐसे कर लूँगी। ये देखे, ये देख। उसके बाद क्या करना है? इसको खूब और इसको भी बड़ा करूँगी। जो भी सब्र करो, चलो बस हिल मत। और ये मैं कर लूँगी कट। और ये देखें एक साथ कितने पेड़े बनेंगे। ये अभी दिखाती हूँ मैं। ये देखें कितनी लेयर बनी हुई है अंदर। और हल्का सा लूँगी हाथ पे लगाऊंगी पेस्ट वो मैदा। और ये देखें बिल्कुल बलदार और एकदम बढ़िया पेड़ा बना माशाल्लाह। और ये भी सेम ऐसी करूँगी मैं। ये देखें माशाल्लाह, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी तरीके है। आप ज़रूर आजमाइएगा। कोशिश करती हूँ जो मुझे आता है वो भी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये चीज़ कि अगर हमें कोई चीज़ आती है तो हमें बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब सीख कर ही आते हैं। बढ़िया। और कितने प्यारे लग रहे हैं छोटे छोटे पेड़। और उतना ही इनको टाइम लगेगा, ये समझ लीजिए। ये बनाने में, चिकन रोल बनाने में अच्छा खासा टाइम लगा है मुझे, क्योंकि एक तो हो रही है पहली बात तो गर्मी, और ऊपर से मैंने रूम की भी सफाई करी थी। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी बढ़िया ट्रिक है। और कमेंट में ज़रूर लिखना। और मैं ब्लॉग बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ मैं, सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करना। और इसको भी सेम ऐसी करूँगी मैं। और मुझे सच बताऊँ खाना बनाना और खाना शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। और बस इन्हीं चीज़ों से मेरी तारीफ़ भी होती है। तारीफ़ तो खैर खाने के शुरू से ही होती है मेरी, ऐसा नहीं कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो आपसे। और ये भी सेम ऐसे ही काट लूंगी। और पसीना तो बस आप भी सोच रहे होंगे बस। ये भी ऐसे लेकिन हम जितनी मेहनत से हम बनाते हैं खाने में भी तो उतने मज़े का लगता है। अगर हमें खाना अच्छा खाना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है। ये बिल्कुल पतला बनाऊंगी। और ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है माशाल्लाह से। ये चीनी का जादू है, चीनी दही दूध बहुत ही बढ़िया। और ये कुछ ज़्यादा ही छोटी छोटी हो गई हैं। अब इसमें
इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी क्योंकि ऐसे मुझे फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और ये मैंने तीन को एक साथ जोड़ दिया। और ये मैंने थोड़ा पराठे का साइज लिया है, थोड़ा बड़ा लिया है मैंने पराठा ये। और परफेक्ट परफेक्ट। माशाल्लाह पराठा तो जबरदस्त बना है संजय, जबरदस्त बना है, बनेगा है भैया। और ये पराठा तैयार है और पराठे बना लिए हैं। और अब इसके अंदर क्या करना है। वाह, कृपया करके आप मोबाइल बंद कर देंगे आप। और इसके अंदर डालूंगी खीरा और प्याज थोड़ी सी और ज़्यादा डाल देती हूँ। उसमें डालूँगी हरा धनिया और फाइनली इसमें और थोड़ी सी केचप। ये वाला रोल बना रही हूँ मैं शोहर जी के लिए। ग्रीन चटनी डाल लूँ, ग्रीन वाली चटनी भी डाल देती हूँ। और इसको ऐसे करके ऐसे ही रोल बना देंगे। वाह परफेक्ट। लीजिए, चलो। और यहाँ पर तो ये हो रहा है कि ये लोग अपना अपना बना के खा रहे हैं, फिर थंबनेल का फोटो कैसे खींचूंगी तो मैं है। यहाँ पर बच्चों को इतना ज्यादा शौक आ रहा है, ये लोग तो खुद अपने अपने ही रोल बना रहे हैं, ये इनको इतना शौक आ रहा है। कम कम डालो, अम्मी मेरा मटेरियल देख। वाओ सच्ची, बच्चों याद करोगे मर जाऊंगी तो। हाँ, है उसमें हरा धनिया। ओहो वाओ, उसके अंदर रेड वाली चटनी, वाइट वाली। वाओ उसमें थोड़ी सी मेयोनीज। वाओ केचप किधर है। और ये इधर अम्मा बना रहे हैं अपना है। इसका बनाऊंगी रोल। अम्मा तो खूब बढ़िया तरीके से बनाए तुम लोगों ने है। और इधर फेस का भी तैयार है और तुम्हारा भी तैयार है, तुम्हारा भी तैयार है। इधर ये मेरा तैयार है। सच्ची सुभान अल्लाह, बच्चों वाकई। अब वो कहाँ है छोटे छोटे वाले। ये बढ़िया। अरे मेरी बच्ची दो हाथ में और एक ये तीन तो तीन। और ग्रीन चटनी तो वाकई बहुत बढ़िया लग रही है, वाकई बहुत ही कसम से बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही टेस्टी। वाओ अय्या है। रोल में ये डालना तो भूल ही गई मैं, आलू के फ्राई देवा तो सही मुझे भी दे। अब खा के कसम से बड़े ही लजीज हो रहा था, कसम खुदा की। बाबा ला दे,